बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों के अंदर। मेरा नाम है फ़ातिमा और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि झटपट बनके तैयार होती है। टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार अचार गोश्त की रेसिपी जो कि बहुत जल्दी बन जाएगा। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सो अचार गोश्त बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक कप ऑयल लेना है, यानी कि तेल। इसे आपने कढ़ाही में डाल देना है। ऑयल डालने के बाद आपने इसके अंदर डालना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये दोनों मैंने फ्रेशली कूटे हैं और वो डाले हैं। एक एक चम्मच मैंने दोनों लिए हैं, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट। दोनों को डालने के बाद तेल के अंदर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है ताकि दोनों का कच्चापन खत्म हो जाए। आप चाहें तो बॉटल में जो आती है पेस्ट वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें शामिल कीजिएगा 3 अदद प्याज। प्याज डालने के बाद आपने इसको पकाना है, इतना पकाना है कि प्याजों का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तकरीबन आपने इसको पकाना है 5 से 6 मिनट के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं अचार गोश्त के अंदर प्याज नहीं डालते हैं, वो सिर्फ टमाटर डालते हैं। और अगर आप शान के पैकेट के पीछे की रेसिपी भी देखेंगे तो उसके अंदर भी प्याज कहीं से नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको अपने स्टाइल में बनाना सिखा रही हूँ और इससे ग्रेवी अच्छी बनती है। और सिर्फ टमाटर डालने से आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं बनती है। तो अगर आपको ग्रेवी वाला अचार गोश्त पसंद है तो आप ज़रूर डालिएगा प्याज। अगर आपको नहीं पसंद तो आप सिर्फ टमाटर डाल के भी बना सकते हैं और प्याजों को स्किप कर सकते हैं। लेकिन इस रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करेंगे तो ज़बरदस्त आपका अचार गोश्त बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने प्याजों का कलर जब अच्छा सा थोड़ा सा चेंज हुआ था 5 से 6 मिनट पकाने के बाद, तो मैंने इसके अंदर हड्डी वाली चिकन डाल दी है। तकरीबन आप इसके अंदर 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक चिकन बना सकते हैं एक शान पैकेट मसाले के साथ। तो अब आप देख सकते हैं चिकन डालने के बाद मैं 10 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी दरमियानी आंच के ऊपर ताकि चिकन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और उसका कच्चापन खत्म हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने लेना है शान अचार गोश्त मसाले का पैकेट। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 पैकेट होते हैं लेकिन मैं यूज़ सिर्फ 1 करूँगी। आपने भी एक ही साशे को यूज़ करना है जब भी आप बनाएंगे, आपने दोनों साशे को यूज़ नहीं करना। 1 अदद आपने छोटी प्याली ले लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस प्याली के अंदर डालने हैं 2 चम्मच शान अचार गोश्त मसाले के। 2 चम्मच ये डालने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 चम्मच नींबू का रस, यानी कि लेमन जूस। अगर आपके घर में लेमन जूस नहीं है, सिरका तो सबके घरों में होता है क्योंकि बिरयानी भी बनती है, तो आप यहाँ पे 2 चम्मच सिरका भी डाल सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, या लेमन का जूस ले लें या फिर आप सिरका ले लें, लेकिन दोनों चीज़ों को आपने 2 चम्मच लेना है। और आपने इसके अच्छी तरीके से एक पेस्ट तैयार कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं पेस्ट तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में आपको चाहिए होंगी हरी मिर्चें। आप चाहें तो मोटी हरी मिर्चें ले सकते हैं, आप चाहें तो पतली हरी मिर्चें ले सकते हैं। यहाँ पर जो मैं हरी मिर्चें यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, तो ये ईजिली आप खा सकते हैं। जो मोटी हरी मिर्चें होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, तो आप वो भी ईजिली खा सकेंगे। तो आपने हरी मिर्चों में 1 अदद कट लगाना है। इसके अंदर जो बीज हैं उनको मैंने रिमूव नहीं किया, ठीक हो गया। अगर आप चाहें तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, मैंने इसके अंदर ही रहने दिया। और उसके बाद मैं हल्का हल्का मसाला लेके तो इसके अंदर स्टफिंग कर रही हूँ और बहुत ही मज़े का ये बनता है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है तो कम डाल दें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं और उनके अंदर मैं ये स्टफिंग कर रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारी हरी मिर्चों के अंदर स्टफिंग कर दी है अचार गोश्त मसाले की, और बाकी का जो बच गया है ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है, तो ये भी मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं दरमियानी आँच के ऊपर, और चिकन का जो कलर है वो भी हल्का सा गोल्डन होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपने इस स्टेज पे क्या करना है, आपको चाहिए होगा दही। दही आपने लेना है तकरीबन 1/2 किलो। 1/2 किलो दही लेने के बाद आपने उसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि उसके अंदर कोई भी लंप ना रहे, और आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके बाद शान अचार गोश्त मसाले का जो बाकी का बचा हुआ मसाला था वो आपने डाल देना है, और 1 चम्मच जो हरी मिर्चों के साथ हमने स्टफिंग बनाई थी वो पेस्ट जो बनाई थी जो बच गई थी वो मैंने डाल दिया है। अब सारा अचार गोश्त मसाले का पैकेट भी चला गया, दही भी चला गया, आपने इसको मिक्स करना है। इस स्टेज पे आपने जो चूल्हे की आंच है उसको दरमियानी आंच से थोड़ा सा कम रखना है, कवर करके आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है। और 10 मिनट के दौरान आपने एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चलाना है ताकि मसाला नीचे ना लगे। आप देख सकते हैं इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको दरमियानी आँच से थोड़ी कम आँच पर पकाया था। 10 मिनट के बाद आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है, इसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर डालने हैं टमाटर। टमाटर यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 6 अदद। मेरे पास फ्रीज़र के टमाटर थे इसलिए मैंने उनको कद्दूकश करके डाला है। अगर आप ताज़े ले रहे हैं तो आप उनको बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप 6 अदद टमाटर का पेस्ट बना के ब्लेंडर के अंदर वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं।
तो टमाटर डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। गिव इट अ गुड मिक्स, अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने दोबारा से इसको कवर करना है और कवर करके आपने इसको पकाना है ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। तो तकरीबन इसको आपने 10 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन इस 10 मिनट के दौरान आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और 5 मिनट के बाद मैं इसके अंदर चम्मच चलाऊंगी, एक दफ़ा मिक्स कर लूंगी ताकि मसाला नीचे ना लगे, और उसके बाद दोबारा से इसको कवर करूंगी और दोबारा से इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना मैंने इसके अंदर नमक डाला है, ना मिर्च डाली है, ना ही कोई एक्स्ट्रा मसाले डाले हैं। मैंने सिर्फ शान का एक पैकेट यूज़ किया है, और वही पैकेट जो है वो आपको प्रॉपरली एक अच्छा सा जायका दे देगा। आपको एक्स्ट्रा कोई भी मसाले डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 1.5 किलो या 2 किलो या 2.5 किलो चिकन का बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, या तो आप 1.5 पैकेट यूज़ कर लें शान मसाले का, या फिर इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि 1 पैकेट के साथ नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट्स अप टू यू। आप जिस तरीके से आपको आसानी हो आप उस तरीके से बना सकते हैं। ओके गाइस, तो अब आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं टमाटर डालने के बाद मैंने इसको पकाया था, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देनी है जो कि हमने मसाला भर के बनाई थी, तकरीबन 6 से 7 मैंने ली थी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, बारीक मोटी ये भी आपके ऊपर है, आपको जिस तरीके की हरी मिर्चें पसंद है आप ले लीजिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने हरी मिर्चें डाल दी, आपने इसी स्टेज पे डालनी है, एंड पे डालिएगा ताकि हरी मिर्चों की जो शेप है वो ख़राब ना हो। और आप देख सकते हैं ये मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब इसको मैं कवर करके तकरीबन धीमी आंच के ऊपर 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। 5 मिनट के बाद अब आपने इसका कवर उतार देना है और इसे मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं ऑयल छोड़ दिया है, बहुत ही मज़ेदार हमारा जो अचार गोश्त है तैयार हो चुका है और बहुत ही टेस्टी बनता है। कोई मसाले आपने एक्स्ट्रा नहीं डालने, सिर्फ शान के पैकेट से ये बनाया है मैंने, और बहुत मज़े का बनेगा। ग्रेवी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, तकरीबन 6 से 7 लोग आराम से इसको रच के खा सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा इसको घर में, मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा जब भी आप मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं उसकी पिक्चर्स में सर ज़रूर शेयर किया कीजिए ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट विच इज़ FS बावर्ची खाना, वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगेबान।